तो नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइव में दोस्तों। तो दोस्तों, अभी भी बिहार जीविका वैकेंसी 2023 के दोस्तों बिहार में जीविका के लिए अप्लाई हो रहा है। आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप जीविका में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आइए इस वीडियो में जानिए आगे। दोस्तों देखिए, आपको कैसे ऑनलाइन करना है ध्यान रखिएगा। तो नई बहाली है बिहार जीविका के लिए। यहाँ पर बिहार जीविका वैकेंसी 2023 आर्टिकल का नाम दोस्तों लेटेस्ट जॉब। यहाँ पर दोस्तों हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया अप्लीकेशन कैन अप्लाई, यानी सभी भारतीय अप्लाई कर सकते हैं लेकिन बिहार में ज़्यादा कर सकते हैं। मोड ऑफ अप्लीकेशन ऑनलाइन करना है दोस्तों। नेम ऑफ द पोस्ट यंग है ना, प्रोफेशनल। नो नंबर ऑफ वैकेंसी, कितने वैकेंसी दोस्तों, 71 वैकेंसी है। तो आप 11 जनवरी से ही डेट अप्लाई हो रहा है दोस्तों, ये डेट शुरू है और 28 जनवरी तक लास्ट डेट है। ठीक है, जल्द से लोगों यहाँ से बिहार जीविका का। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे, आप 10वीं पास हैं, खास करके महिला लोग और पुरुष लोग, तो अफसर बनने का खासकर मौका है। ध्यान से पढ़िए दोस्तों। स्वास्थ्य विभाग में 70,000 पदों पर 6 माह में बहाली, यानी दोस्तों अभी तक आपका जरूरी ख़त्म होने वाला है और बहुत ही जल्द बहाली होगी दोस्तों 70,000 का। इसमें आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे अधिक 35,000 NM दीदी की बहाली की जाएगी दोस्तों, महिलाओं के लिए खासकर मौका है। 35,000 बहाली दोस्तों NM का होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए जो महिला 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट हैं और जो जिनका कोर्स पूरा हो चुका है NM के लिए, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वे लोग रेडी रहेंगी, तैयार रहेंगी और उनका 35,000 बहाली दोस्तों NM का होगा। NM के लिए और GM के लिए आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जल्द ही उपलब्ध। ठीक है, आवेदन करने की अंतिम तिथि जल्द ही उपलब्ध। प्रवेश पत्र परीक्षा से पहले परीक्षा जल्द ही होगी जारी दोस्तों। आने वाला समय में 70,000 वैकेंसी दोस्तों, इसमें से 35,000 सिर्फ और सिर्फ NM दीदी बहाली। ठीक है, ज़रूर आप लोग मौका का फ़ायदा उठाएं, खास करके महिलाएं लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ उम्र के बारे में चर्चा किया गया है। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र आपकी 40 वर्ष, यानी 21 से 40 वर्ष तक जितनी भी महिलाएँ हैं वे आवेदन कर सकती हैं दोस्तों। अगला मेरे पास अपडेट आ रहा है, बिहार में जितने भी हमारे छात्र छात्रा मैट्रिक और इंटर में फर्स्ट हैं उनके लिए खासकर ऑनलाइन हो रहा है। खास करके 2022 के स्टूडेंट जो भी पास हैं, 2023 में अब उनका ऑनलाइन हो रहा है। अब जानते हैं सरकार लेट करती है स्कॉलरशिप देने में, तो इसलिए आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। बिहार बोर्ड 12वीं फर्स्ट डिवीज़न स्कॉलरशिप 2022-2023 फॉर 25,000 मिल रहा है। एंड लिस्ट डेट एंड अप्लाई ऑनलाइन बिहार, बिहार इंटर फर्स्ट डिवीज़न स्कॉलरशिप 2022। ठीक है, उनके लिए सरकार जो है 25,000 रुपये का प्रोत्साहन दे रही है। आप देख पा रहे हैं इस लिस्ट को, ध्यान से देखिए, आपका ऑनलाइन शुरू है भाई और जल्दी से अप्लाई करिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1 जनवरी से ही स्टार्ट है और अभी तक ले इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। वैसी गर्ल्स 2022 में फर्स्ट मारी हैं, खास करके 10+2 यानी 12वीं क्लास में, तो उनके लिए 25,000 जो है पाने का सुनहरा मौका है। ध्यान से पढ़िए, इंटर पास छात्राओं को 25,000 और स्नातक पास को 50,000। और मैं आपको बता दूं, मैट्रिक में पास होंगे यदि 2023 से नियम लागू है, मैट्रिक में पास होती हैं लड़कियां तो वे 15,000 के हकदार हो जाएंगी। अभी 2022 तक मात्र और मात्र लड़कों और लड़कियों के लिए मात्र 10,000 की व्यवस्था है। कितने हैं? 10,000 की व्यवस्था है। 2020-2022 है ना, स्टेट स्कॉलरशिप गर्ल्स सिर्फ लड़कियों के लिए है। यहाँ पर जो कागज़ है आपको लगाना है, मेधावी छात्रा का आधार कार्ड, ठीक है, पास हुए छात्रा का आय प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन नंबर, चालू मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मैट्रिक में और इंटर का सर्टिफिकेट है जो पास की होंगी उसका। और आप STSC ECB में आते हैं तो 10वीं पास यदि हुए हैं 2022 में तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न हुए हैं तो। ठीक है, और सेकंड वालों को भी मिलता है, फर्स्ट वालों को मिलता है। तो 31/1/2023 डेट है लास्ट डेट, आप ज़रूर इसको भरें और फ़ायदा उठाएं। सेकंड डिवीज़न है, अप्लाई कर सकते हैं, खास करके फर्स्ट डिवीज़न वालों को 10,000, सेकेंड डिवीज़न वालों को 8,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। अगला दोस्तों मेरे पास अपडेट आ रहा है SSC के लिए दोस्तों। SSC MTS परीक्षा 2023, यहाँ पर देखिए दोस्तों फॉर्म निकल चुका है। संगठन का नाम कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग, पद का नाम दोस्तों MTS या हवलदार, इसमें बन सकते हैं आप MTS या हवलदार। अच्छा, वैकेंसी दोस्तों 12,523 है, बहुत अच्छा मौका है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन हो रहा है दोस्तों और संस्था का नाम पूरे भारत के लिए है।
और पूरे भारत के लोग यानी पूरे राज्यों के लोग कर सकते हैं। ठीक है, पंजीकरण तिथि 17 जनवरी 2023 से चालू हो गया है और अंतिम तिथि दोस्तों 17 फरवरी 2023 तक है। ठीक है, और जो परीक्षा की अवधि है, भाषा है, वो हिंदी में ले जाएगी, आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, अब आपको बता दें, देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर 12,523 पद है दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है। और इसके लिए आपको देखिए दोस्तों, योग्यता क्या होना चाहिए, 10वीं पास, और नागरिक कौन है, भारतीय होना चाहिए, आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष, आयु में छूट मापदंडों के अनुसार मिला जाएगा। अगर बात करें दोस्तों इसके लिए, तो सामान्य के लिए यानी जो सामान्य जाति में आते हैं उनके लिए 100 रुपया लगेगा, OBC में 100 रुपया, ST के लिए 9 फीस। ठीक है, और आपको जॉब हो जाएगी, अगर आपकी जॉब हो जाती है तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या वेतन मिलेगा आपको, 5200 से 20200 रुपया प्रति महीना मिलेगा, और ग्रेड पे यानी 1800 रुपया प्रति महीना, और इन हैंडेड वेतन मिलेगा लगभग 20245 रुपया प्रति माह। ठीक, संविदा कर्मियों के लिए खास करके 10000 जो है सफाई कर्मी भर्ती की जाएगी बिहार में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों लोगो देख पा रहे हैं आप लोग, जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन अपडेट होगा, होने ही वाला है। बिहार संविदा कर्मी के लिए, खास करके सफाई कर्मी के लिए 1,10,000 की बहाली आने वाली है दोस्तों, आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोगो भी साफ साफ आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर भास्कर अखबार जो दैनिक भास्कर होता है उसमें छपा हुआ है, 1,10,000 सफाई कर्मियों की तैनाती होगी, गाँव की गलियाँ भी रहेंगी साफ। ठीक, कुल रिक्ति पर दोस्तों 1,00,000 से अधिक, शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष, नौकरी करने का संस्थान रहेगा, स्थान रहेगा बिहार, आवेदन तिथि जल्द ही अधिसूचना द्वारा जारी की जाएगी। आई होप कि वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा दोस्तों आपको, मैंने आपको पूरे भारत के बारे में, बिहार के बारे में, नौकरी के बारे में, जीविका के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया। आप फॉर्म अप्लाई करिए, अपना करियर बनाइए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।